कुछ महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि मेरे यूट्यूब चैनल के लिए इंटरनेट चैलेंज करना एक अच्छा आइडिया होगा, लेकिन इस बार मैं चाहता था कि ये कुछ अलग होना चाहिए, कुछ ऐसा जो मेरे फॉलोअर्स को अपनी सीटों से बांध रखे। इस बार मुझे वीडियो में शामिल होना होगा। दूसरे फेमस यूट्यूब चैनलों पर रिसर्च करने के बाद मुझे एक सुपर मार्केट में लगातार 24 घंटे बिताने का शानदार आइडिया आया। ये काफ़ी एक्साइटमेंट और थोड़ा पागलपन भरा लग रहा था, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे समझे मैंने अपना कैमरा और अपना सामान पैक किया और अपने घर से सबसे नज़दीकी सुपरमार्केट में चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो जगह लगभग भरी हुई थी, जो अच्छा था क्योंकि वहां मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। खाली वॉलमार्ट में पूरी रात बिताने का आइडिया मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने बिना टाइम बर्बाद किए अपना इंट्रो वीडियो शुरू किया। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। मैं वॉलमार्ट के गलियारों से होते हुए वीडियो शूट कर रहा था जब तक कि बंद होने का टाइम नहीं हो गया। उस जगह पर कम से कम लोग थे, इसलिए मुझे पता था कि मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में कुछ कूलर्स के पीछे छिप गया। जब गार्ड ने यह देखने के लिए चेक किया कि अंदर कोई नहीं बचा है, तो मैं वहीं रुक गया, छिप गया और सो गया, बस ये देखने के लिए कि मुझे रात के लिए बाहर निकलने के लिए जितना पॉसिबल हो सके उतना टाइम मिले। जब मैं उठा, मैंने अपनी घड़ी देखी और पाया कि अभी 3 बज चुके थे। मैं उम्मीद से बाहर गया और हालांकि लाइटें बंद थीं, लेकिन कुछ बैकग्राउंड लाइटें जगह के एक पार्ट को रोशन कर रही थी। जो कुछ भी मैं रिकॉर्ड कर सकता था उसे रिकॉर्ड कर रहा था और जितना हो सके जगह की चेकिंग कर रहा था। लेकिन जैसा कि आमतौर पर डरावनी स्टोरीज में होता है, वैसे ही चीज़ें अजीब होने लगी। मैं हॉल से नीचे जा रहा था जब अचानक मैंने कुछ अजीब महसूस किया। हवा में म्यूजिक की हल्की सी झनझनाहट थी। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपना काम करता रहा। हालांकि चीजें तब सच में परेशान करने वाली हो गई जब मुझे एक शेल्फ दिखाई दी जो पलटी हुई लग रही थी। सारा सामान फर्श पर बिखरे हुए थे, जैसे कि कोई आदमी किसी चीज की तलाश में बेताब होकर इधर उधर खोज रहा हो। मैं इस बिखरे हुए सामान के सामने रुक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉई सफाई करना भूल गया हो? शायद उन्होंने जाने से पहले यह नहीं देखा। मैंने हर संभव तरीके से इसे सही ठहराने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़ने का सोचा, शांत रहने और सब कुछ चेक करने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर से डर वाली फीलिंग दूर नहीं हुई। जगह और भी अंधेरी वाली थी। रेफ्रिजरेटर से आने वाली लाइट्स और मेरे सेलफोन की लाइट कम होती जा रही थी। वो म्यूजिक जो पहले मुश्किल से सुनाई देता था, अब मेरे कानों में गूंज रहा था। हवा में एक परेशान करने वाली धुन भर रहा था। अगर वहां कोई नहीं था तो वे म्यूजिक क्यों बंद करेंगे? तभी मैंने मीट के गलियारे से आती हुई आवाज सुनी, एक नीरस सरसराहट वाली आवाज, जैसे कि कोई भारी चीज धीरे धीरे फर्श पर घसीट रही हो। जब मैं मीट के गलियारे में पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। फर्श पर गंदे मीट पैकेजों से घिरी हुई एक इंसान जैसी दिखने वाली गुड़िया पड़ी हुई थी। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, इसकी कांच की आंखें मुझे घूर रही थी। यह वहां कैसे पहुंची और इसे वहां किसने रखा था? मैंने अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश की और मैं रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं डर से पागल हो रहा था। मैंने सुपरमार्केट को एक्सप्लोर करना जारी रखा, उम्मीद कर रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए कुछ लॉजिक मिल जाएगा। मुझे पता था कि यहाँ कोई था, कुछ गार्ड्स जो रात भर इस जगह की रखवाली कर रहे थे, वे मेरे साथ मजाक कर रहे थे। लेकिन जितना मैंने खोजबीन की, चीजें उतनी ही अजीब होती गईं। बिखरी हुई अलमारियां, गलियारों से गूंजती हुई अजीब आवाजें, परछाइयां जो अपने आप चलती हुई लगती थीं। एंड में मैंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया। मैं बाहर निकलने की तरफ भागा। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड था तो मुझे कहीं से अंदर जाना था। ऑटोमेटिक दरवाजे बंद थे जिससे मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। मैंने उन्हें अपनी पूरी ताकत से खोलने की कोशिश की, लेकिन वे परमानेंटली सील किए हुए लग रहे थे। मैं वॉलमार्ट में फंस गया था, लेकिन मुझे जो भी दरवाजा मिला वो बंद या सील हुआ था। सिचुएशन को बदतर बनाने के लिए अजीब आवाजें और अशुभ म्यूजिक मुझे परेशान करते रहे, मुझे डर के माहौल में घेर लिया। एंड में एक वक्त बाद मैं ग्रोसरी स्टोर में आ गया। वहां लाइट अभी भी चमक रही थी, लेकिन ये सिर्फ एक गलियारे में नहीं हो रहा था, ये पूरे वॉलमार्ट में हो रहा था। अचानक मैंने एक हंसी सुनी, एक भयावह दिल दहलाने वाली हंसी पूरे स्टोर में गूंज उठी। मैं डर के मारे जम गया क्योंकि हंसी करीब और करीब आती जा रही थी। मैं उस हंसी के गलियारे में आने और खुद को मेरे सामने लाने का इंतजार कर रहा था। मैं डरा हुआ था, लेकिन शायद ये सिर्फ एक मजाक का एंड था। शायद अब कुछ सिक्योरिटी गार्ड आकर मुझे जगह से बाहर निकालने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मेरे सामने आया वो एक रेंगने वाली चीज थी। ये पहले वाला डरावना पुतला था
मकड़ी की तरह हिल रहा था। वो चीज जो वहां थी वो इंसान नहीं थी, वो कोई जानवर भी नहीं था। इसके अंग हर हरकत के साथ टूटते और टेढ़े मेढ़े होते जा रहे थे। इसके शरीर से एक बहुत ही अजीब सी आवाज निकल रही थी, लेकिन मैं भी अपने शक के बावजूद इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि ये मेरे सामने था, जिंदा था। मैं इसे उसकी आंखों में देख सकता था, उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थी। जैसे कि ये मुझे देख नहीं सकता था, मैंने धीरे से चलने की कोशिश की, लेकिन ये क्रिएचर बुद्धिमान लग रहा था। ये भी उतने ही कम स्पीड से चल रहा था जितना मैं चल रहा था। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे चलता रहा, मैं पुतले के अंदर से आती हुई हंसी को सुन सकता था, जैसे कि ये कुछ ऐसा था। कुछ कदम चलने के बाद, जिसमें मुझे जल्दी से सोचना पड़ा कि क्या करना है, मैंने डिसीजन लिया और जितना हो सके उतनी तेजी से भागने का रिस्क उठाया। मेरे साथ मकड़ी का पुतला भी मेरी तरह तेजी से भाग रहा था, नहीं ये मुझसे भी तेज भाग रहा था। इसके चार पैर जमीन पर थे, तेजी से चलते हुए आया। जब तक ये मेरे पास नहीं पहुंच गया, मैं देख सकता था कि इस क्रिएचर की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन मेरे पास एक चांस था। एक बार जब मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में पहुंचा, तो मैं रेफ्रिजरेटर के बीच अपनी छिपने की जगह के पास पहुंच गया। पुतला जानता था कि मैं वहां हूं, लेकिन ये इतना बड़ा था कि मैं अंदर नहीं जा सकता था। वो मॉन्स्टर दो पैरों पर खड़ा था, और तभी मुझे एहसास हुआ कि ये कोई नॉर्मल पुतला नहीं था, ये 6 फीट से ज्यादा लंबा था। वो मॉन्स्टर रेफ्रिजरेटर के पीछे खड़ा था, रेफ्रिजरेटर के बीच जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूरी रात वहीं बिताई, घंटों तक बंद रहा, जबकि उस प्राणी ने हार नहीं मानी। मैं पूरी रात से सुबह तक सो नहीं पाया, और वो प्राणी बस पलट कर चला गया। मैं जिस दौर से गुजर रहा था उससे घबरा कर मैं बस सो गया। वो एकमात्र सेफ जगह थी जो मेरे पास अभी भी थी। एक बार जब मैं उठा तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं कूलर से बाहर आया जब वहां कोई नहीं था, और एक बार फिर वॉलमार्ट से गुजरा, लोग खरीदारी के लिए घूम रहे थे। मैंने रेफ्रिजरेटर से अपना कैमरा ढूंढा, लेकिन वो गायब था। मैं जितनी जल्दी हो सके वॉलमार्ट से बाहर गया, और मैंने देखा कि कुछ एम्प्लॉयज अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आया। एक बार जब मैं घर पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। न सिर्फ मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया था उसके कारण, बल्कि घर पहुंचने के बाद मैंने जो कुछ भी देखा उसके भी कारण। शायद इसलिए उन्होंने जगह के अंदर भी कोई दरवाजा खुला नहीं छोड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने सबसे बुरी चीज क्या देखी? मेरा कैमरा, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो मेरे पास है, जब मैं उठा तो वो वहां नहीं था। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? जब मैं सो रहा था, किसी ने मेरे छिपने की जगह में सेंध लगाई और मेरा कैमरा निकाल लिया। वॉलमार्ट वालों ने मुझे देखा, शायद कैमरों की वजह से। मुझे नहीं पता कि उस रात मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया हूं जहां मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। मुझे बस इतना पता है कि मैं उस वॉलमार्ट में कभी वापस नहीं गया। आपको किन जगहों से डर लगता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, और इस हिसाब से ये जवाब अलग अलग होगा। कुछ लोग कब्रिस्तान से डरते हैं, कुछ लोग सुनसान गली से डरते हैं। मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग हॉस्पिटल से डरते हैं। लेकिन आप जानते हैं, ट्रेजेडी कहीं भी हो सकती है, और मेरे मामले में ये वॉलमार्ट में हुआ। मुझे वॉलमार्ट में वो दिन अच्छी तरह से याद है। ये शनिवार की दोपहर थी, जगह लोगों से भरी हुई थी जो वीकेंड की खरीदारी कर रहे थे। मैं वहां थी, मेरे हाथ में शॉपिंग लिस्ट थी, मैं हफ्ते भर के लिए स्टॉक करने के लिए वहां आई थी। जब तक मैं प्रोडक्ट वाले एरिया में नहीं पहुंची, तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं कुछ पके हुए एवोकाडो को ढूंढ रही थी, शेल्फ पर बचे हुए आखिरी एवोकाडो। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें लेने वाली थी, कोई और मेरे पास आया। उस आदमी की निगाहें बहुत तेज थी और चेहरा काफी डरावना था, लेकिन इसके अलावा वो कुछ खास नहीं था, बस एक साधारण आदमी। और चाहे उसने कितने भी अजीब चेहरे बनाए हों, उसने मुझे नहीं डराया। हे, वो एवोकाडो मेरा है। मैं हैरान थी, उसे हैरान होकर देख रही थी। एवोकाडोस वहां थे शेल्फ पर, हर किसी के लिए भी अवेलेबल थे। माफ करना, लेकिन मैं यहां पहले आई थी। मैंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी हिलने को तैयार नहीं था। वो जिद करने लगा, कहने लगा कि उसे उनकी सख्त जरूरत है और मैं उन्हें नहीं ले सकती। मुझे उसके इस रवैये से अच्छा महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसे अनदेखा करने का सोचा।
जैसे ही मैं दूर चली गई, मैं अपने पीठ पर उसकी नजर फील कर सकती थी। ऐसा लगा जैसे वो मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन हर बार जब मैं पीछे मुड़ी तो मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने उस अजीब फीलिंग को दूर करने की कोशिश की और अपनी शॉपिंग करती रही, लेकिन एवोकाडो गलियारे में हुई वो घटना आखिरी नहीं थी। जैसे ही मैं हॉलवे से नीचे चली गई, मुझे लगा कि कोई लगातार मुझे देख रहा था। हर बार जब मैं किसी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए रुकती तो मुझे लगता कि कोई मेरे ठीक पीछे है, मेरी गर्दन पर आकर सांस ले रहा है। मैंने शांत रहने और जितनी जल्दी हो सके अपनी शॉपिंग खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा मैंने सुपरमार्केट में बिताया उतना ही ज्यादा यह एहसास तेज होता गया कि कोई मुझे देख रहा है। मैं बहुत गंदा महसूस करने लगी, लगातार अपने कंधे पर देखती रही, उस आदमी को देखती रही जो मुझे देख रहा था, जब तक कि वो नहीं मिल गया। मैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में पहुंच गई और तभी मैं वहां खड़ी थी, उस आदमी के आने का इंतजार कर रही थी। जब एवोकाडो की घटना हुई तो मैं देख सकती थी कि उस आदमी ने पहले से कई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीद लिए थे, इसलिए मेरे पास यहाँ वापस आने का कोई कारण नहीं था। अगर वो सच में मेरा पीछा कर रहा था तो वो यहाँ आने वाला था, और ऐसा ही हुआ। वो आदमी मेरे सामने आया, धीरे धीरे बाहर झांका और मेरा चेहरा सीधे उसकी तरफ देखते हुए देखकर हैरानी हुई। हे, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कुछ एवोकाडोज के लिए? क्या तुम कोई स्टॉकर हो? बस इतना ही, वो एवोकाडोज मेरे हैं, वो मेरे हैं, तुम उन्हें मुझे दे दो, तुम्हें उन्हें मुझे देना होगा, मुझे उनकी जरूरत है। सुनो, अगर तुमने मुझसे उन्हें अच्छे तरीके से मांगा होता तो मैं उनमें से आधे तुम्हें दे देती, लेकिन तुम इन एवोकाडोज की वजह से पागलों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन एवोकाडोज, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि ये एवोकाडोज मेरे हैं, समझे? मैं उन्हें तुम्हें नहीं दूंगी। तुम दो ब्लॉक दूर चलकर कहीं और से एवोकाडोज खरीद सकते हो। नहीं, मुझे यही एवोकाडोज चाहिए। उस पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इस पूरे टाइम में मैं सुपरमार्केट में ये देखने के लिए रुकी थी कि क्या वो आदमी मेरा पीछा करेगा, उसे सबक सिखाने की उम्मीद में, या उसे ये समझाने की कि वो जो कर रहा था वो गलत है। उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि वो आदमी किसी भी तरह से ये नहीं समझेगा कि वो गलत है, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल था। उस पल वो पहले से ही पूरी तरह से जम चुका था, लगभग ऐठने की हालत में, मुझे कन्फ्यूजन और पागलपन से भरा हुआ देख रहा था। मुझे यह भी एहसास हुआ कि वो कांप रहा था, वो इतना कांप रहा था मानो वो फट जाएगा। कुछ सेकंड्स बाद वो अब मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बस मुंह से झाग निकालते हुए एक पॉइंट पर मुझे घूर रहा था। उस डरावनी इमेज से डरकर मैं बस उसके पास से गुजरी और तुरंत वहां से चली गई। मैं पहले ही वॉलमार्ट में एक सिंपल शॉपिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील कर चुकी थी। अब घर जाने का वक्त आ गया था। जल्दबाजी और बेचैनी में मैं कैश रजिस्टर की तरफ बढ़ी, अपनी शॉपिंग के लिए पे किया और वॉलमार्ट से बाहर निकल गई। लेकिन बाहर निकलते टाइम मैंने देखा कि एवोकाडो वाला वो आदमी मेरे पीछे आ गया और वो मेरा पीछा करने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि वे एवोकाडो मेरे हैं। मैंने उसे अनदेखा करके अपने रास्ते पर चलने की कोशिश की, लेकिन वो मेरा पीछा करता रहा। लेकिन इस बार ये पहले से बहुत अलग था। इस बार वो मुझसे छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था, ना ही वो मुझे धमकाने वाली नजर से देख रहा था। इस बार वो क्लीनिंग सेक्शन वाले एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा था, कांप रहा था, अपने शरीर को इधर उधर हिला रहा था और हर कदम पर लार गिरा रहा था। मैं अपनी कार की तरफ तेजी से चलने लगी। मैं पीछे मुड़ना नहीं चाहती थी, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी, मैं बस उसे अनदेखा करना चाहती थी जब तक कि मैं अपने कार तक नहीं पहुंच जाऊं और उस साइको को बहुत पीछे ना छोड़ दूं। मुझे यकीन था कि मैं उसे पीछे छोड़कर बस चलती जा रही हूं, लेकिन तभी वो हुआ जब मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कार से टकरा दिया। उन्हें वापस दो, मैंने तुमसे कहा था कि वे मेरे हैं। वो इतनी तेजी से चिल्लाया कि मेरा खून जम गया। मैंने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन वो दिखने में ज्यादा स्ट्रांग था। उसका चेहरा पूरी तरह से भयानक हो गया था और उसकी नजरें पूरी तरह से खो गई थीं। हम दोनों के बीच फिजिकल डिफरेंस तो था, वो बहुत दुबला पतला आदमी था, लेकिन साथ ही मैं उसके लंबे कपड़ों से बता सकती थी कि वो सच में बहुत फिट था। उसके अटैक के बीच में मैंने एक सेकंड के लिए कुछ और भी एक्सपीरियंस किया और समझ गई कि क्या होने वाला है। उसने मेरे चेहरे पर जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने के लिए सिर्फ एक हाथ से पकड़ा था, इसलिए मैं खुद को छुड़ाने में कामयाब रही और जमीन पर गिर गई। ये वो वक्त था जब मैंने दो चीजें देखी। पहली, उसकी वो वार ने उसके कार के एक हिस्से को नष्ट कर दिया था, और दूसरी, उसकी उंगलियों के बीच कुछ था। मैंने ध्यान से देखा कि उसने क्या पकड़ा हुआ था, और जब मुझे पता चला कि वो क्या था तो मैं और भी ज्यादा डर गई। बंद मुट्ठी के साथ उस आदमी की उंगलियों के बीच एक चाबी की नोक थी। आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है ना? अगर उस आदमी ने अपनी ताकत और अपनी उंगलियों के बीच चाबी से फिर से मेरे सिर पर वार किया होता तो मैं आपको ये स्टोरी नहीं सुना रही होती। वो आदमी एक ही बार में मेरा सिर फोड़ देता और जरूर वहीं पर ही मुझे मार डालता। तब मुझे समझ में आया कि ये आदमी लड़ाई नहीं चाहता था, वो बस मुझे मारना चाहता था। मेरे एवोकाडोस, मेरे एवोकाडोस, मुझे मेरे एवोकाडोस चाहिए। इस सिचुएशन का सामना करते हुए मैं अपने शॉपिंग बैग को पीछे छोड़कर जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। जैसे ही मैं अपने कार में बैठी, मैंने उस आदमी के डायरेक्शन में देखा और वो जमीन पर था, मेरे शॉपिंग बैग से एवोकाडो को पकड़ रहा था और उन्हें अभी भी उनके छिलके के साथ ही चबा रहा था और उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और एवोकाडो को पीछा करने वाले आदमी को पीछे छोड़ते हुए जितनी तेजी से भाग सकती थी भाग गई। मैं कुछ ब्लॉक चलकर पुलिस को कॉल करने और उन्हें सब कुछ बताने के लिए कार रोकी। जरूर मेरे अलावा भी किसी ने उस आदमी को देखा था, जरूर मेरे अलावा भी किसी ने उस आदमी को देखा था, लेकिन अगर किसी तरह से कोई उसे नहीं मिला तो मुझे उन्हें जल्द से जल्द वार्निंग देनी थी और एक ट्रेजेडी से बचाना था। कुछ टाइम बाद पुलिस ने मुझे गवाही देने और वही स्टोरी बताने के लिए बुलाया जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद वो आदमी जेल नहीं गया, लेकिन वो एक मेंटल हॉस्पिटल में गया और आज तक मैं समझती हूँ कि उसकी हालत खराब हो गई है। सच कहूँ तो उस दिन मुझे एवोकाडो का स्वाद नहीं आया। वॉलमार्ट के बाहर उसे कच्चे एवोकाडो को खाते हुए देखकर मुझे उन्हें खाने के विचार से ही उबकाई आने लगी और घिन आने लगी। मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि वो आदमी अकेले वॉलमार्ट में कैसे घूम रहा था, उसने तब तक खुद को कैसे रखा था। अगर उसका परिवार का कोई मेंबर उसकी देखभाल कर रहा था तो उसके बाद कोई भी उससे मिलने क्यों नहीं आया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि मैं उन सवालों को अपने साथ कब्र में ले जाऊंगी, और ये ठीक है, मैं बस जिंदा रहने की बात से खुश हूं।